हेलो फ्रेंड्स, मेरे पास ये उबले हुए आलू है। 1 किलो करीबन आलू है उबले हुए, तो इनसे आज मैं दो सब्जियां तैयार करूंगी। एक सूखी आलू के गुटके बनाऊंगी और दूसरा रसदार। एक ही आलू से ही दो सब्जियां एक साथ तैयार करूंगी। तो देखिए, सबसे पहले कढ़ाई दी, कढ़ाई में मैंने तेल चढ़ा दिया। तो इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच साबुत धनिया। तो ये मेरा व्रत स्पेशल बन रहा है, तो मैं इसमें लहसुन प्याज का कुछ भी इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये हरी मिर्चा है 3 से 4, इसमें मैंने डाल दिया टमाटर, 4 टमाटर की प्यूरी। तो टमाटर हमारे पक रहे हैं, टमाटर कच्चे थे तो ये पक रहे हैं टमाटर। इसमें मसाला डालेंगे, ऊपर से सूखा मसाला डालेंगे। मसाला है नमक, लाल मिर्चा, धनिया, जीरे का पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च। तो इन सबको हम इसमें ऐड कर देंगे। तो फ्लेम को तेज करके इसको अच्छी तरह से, टमाटर कच्चे हैं तो टमाटर के साथ इनको मसालों को पका लेंगे जब तक ये तेल अलग ना हो जाए। इसको कम से कम 2 से 3 मिनट हमें इस तरह से हिलाते चलाते हुए पकाना है। तो देखिए, टमाटर और मसाले अच्छी तरह से पक चुके हैं, ये देखिए। तो अब हम इसमें ये उबले कटे हुए आलू को ऐड कर देंगे और इन सबको मिला लेंगे। और मीडियम फ्लेम करके इसको ढक्कन लगा के 2 से 3 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। तो आलू बनके तैयार है, आलू के गुटके ड्राई। अब इसमें हम धनिया मिला देंगे। तो धनिया ऐड करने के बाद हमें आधी सब्जी निकाल लेनी है, इसी में हम दूसरी सब्जी भी तैयार करेंगे इसी के साथ ही। तो देखिए, ये हमने सब्जी निकाल ली है आधी, और बाकी के जो आलू हैं इसमें हम इसको हल्का सा ऐसे दबाएंगे, ज़्यादा नहीं आलू दबाने, हल्के हल्के इनको मैश कर लेना है। हल्के हल्के आलू को हमें मैश कर लेना है, इसमें ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा मैश कर लेना है। अब इसमें हम जितना हमको पानी रखना है पानी मिला देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपको नमक लगता है कि इसमें कम हो गया है तो नमक आप ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा मसाला इसमें ऐड नहीं करना है। तो अगर आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक ऐड कर सकते हैं, और हमें मसाला कुछ ऐड नहीं करना, बाकी मसाला हमारे पास ऑलरेडी हमने डाला हुआ है। तो इसको हम 2 से 3 उबाल आने देंगे। तो फ्रेंड्स, 2-3 उबाल आ गए, अब इसमें हम धनिया डाल देंगे, बाकी का धनिया इसमें डाल देंगे। और तो ये सब्जी बहुत ही रसदार तरी वाली सब्जी होगी आलू की। पहले हमने सूखी सब्जी निकाली थी, हमारी तरी, एक ही आलू से एक ही बार में हमारी दो सब्जियाँ तैयार हो गई। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी?